डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी या तो बेहद ही असमंजस में है या फिर कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना उसे करना पड़ रहा है पार्टियों के नाम के चयन को लेकर के। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर एक बार फिर से 24 घंटे भी नहीं हुए कि उन्हें अपना प्रत्याशी फिर दोबारा से बदलना पड़ा है। अब अतुल प्रधान का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह योगेश वर्मा, जो कि पूर्व विधायक हैं हसनापुर से, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया है। सुनीता वर्मा पहले मेरठ में मेयर रह चुकी हैं बहुजन समाज पार्टी के टाइम में, हालांकि बाद में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। कल से ही इस बात की अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई थी कि अतुल प्रधान को भले ही टिकट दे दिया गया हो, लेकिन योगेश वर्मा की लड़ाई अभी भी जारी है। शायद यही कारण था कि लखनऊ से मेरठ लौटते हुए रास्ते में ही उन्हें एक फोन आया, जिसके बाद उन्हें वापस लखनऊ जाना पड़ गया। आज दोपहर उनकी मीटिंग पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ और उनकी वो मीटिंग हुई। मीटिंग में जो भी रहा उसका डिसीजन आते आते शाम हो गई, और शाम जब हुई तो मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट का टिकट बदला जा चुका था, यानी उनकी धर्मपत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया। इससे पहले यह भी अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई थी और यह भी चर्चाओं का बाजार गर्म था कि अतुल प्रधान को होल्ड पर रख दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले जो टिकट दिया गया था भानु प्रताप को दिया गया था, और उनके बारे में भी कहा गया कि उनका टिकट होल्ड पर रख दिया गया, उसके बाद ही अतुल प्रधान को टिकट मिला था। ऐसा ही अतुल के साथ भी हुआ। अतुल के बारे में कहा गया कि उनका टिकट भी होल्ड पर रख दिया गया, बावजूद इसके आज अतुल ने बाकायदा शोर शराबे के साथ नॉमिनेशन अपना दाखिल किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल पर निशाना भी साधा, यह कहते हुए कि वह भारी हैं और इस चुनाव में स्थानीय का मुद्दा बुरी तरह से हावी रहेगा। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज दोपहर बागपत से मनोज चौधरी का टिकट काट दिया गया था, उनको पहले घोषित किया गया था, और आज अमरपाल शर्मा को वहां से टिकट दिया गया है। पहले समाजवादी पार्टी ने वहां से जाट कार्ड खेला था, लेकिन अब जो समीकरण बदले, जो हालात बदले, चूंकि अमरपाल शर्मा भी लगातार ही लखनऊ में डेरा डाले हुए थे, तो उनको टिकट दे दिया गया है। यानी आज कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी को दो टिकट अपने बदलने पड़े हैं। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।